जो काफी संघर्षों के बाद अमेरिका जैसे देश के प्रथम नागरिक बनने का उन्हें सौभाग्य मिला। कई बार असफलताएं आई उनके जीवन में, या यूं कहो कि पूरा जीवन ही उनका असफल रहा। लेकिन सफलता पाई तो इतनी पाई कि सर्वोच्च सफलता के शिखर पर जाकर बैठ गए। उन्होंने जब अपने बेटे का दाखिला स्कूल में कराया तो उस स्कूल के क्लास टीचर को उन्होंने एक पत्र लिखा। उन्होंने पत्र लिखा कि अध्यापक महोदय, मेरा बच्चा आपकी क्लास में पढ़ने आ रहा है, लेकिन बड़ी विनम्रता पूर्वक मेरा आपसे आग्रह है कि इस बच्चे को ये सोचकर ना पढ़ाएं कि एक राष्ट्रपति का लड़का है, बल्कि ये सोच करके शिक्षा दें कि यह एक आदर्श नागरिक बने और एक बेहतरीन इंसान बनकर के दुनिया में खड़ा हो जाए। उन्होंने लिखा कि आप किसी भी मन के कोने में ये ब्याह ख्याल निकाल देना कि मैं किसी राष्ट्रपति के बेटे को पढ़ा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप इसे ये सिखाएं कि कैसे बैठे, कैसे उठे, कैसे चले, कैसे बोले, क्या पहने, क्या खाए। अध्यापक महोदय से मेरा आग्रह है कि मेरे बच्चे को यह भी सिखाया जाए कि उसे अपने बुजुर्गों से कैसा बर्ताव करना चाहिए, और उसे यह भी बताएं कि उसके समाज, धर्म और राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है। राष्ट्रपति महोदय ने लिखा कि मेरे बच्चे को यह अच्छी तरह से समझा दिया जाए कि सफलता की राह में चलते चलते जब विफलताएं मिले तो उसे साहस नहीं खोना है, संघर्षों में, आंधी तूफानों में भी उसे लड़ना है। दुनिया के रास्ते हताश कर दें, लेकिन मेरे बच्चे को यह सिखाना कि तेरा मन कभी हताश नहीं होना चाहिए। ध्यान पर